जब आप बजट का भाषण सुनते हैं तो वित्त मंत्री अलग अलग साल के बारे में बताते हैं, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, तो इनका मतलब समझना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आपका बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर सबसे इम्पोर्टेंट ईयर, जिसके लिए बजट बनता है। और अब जब आप बजट देखेंगे ना, तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये कि पहली अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 ये है आपका फाइनेंशियल ईयर, तो ये ध्यान में रखिए। पूरा जो बजट बनेगा ना, ये 12 महीने के लिए बनेगा। अब आइए असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर वो होता है जो फाइनेंशियल ईयर की कमाई के ऊपर जब आप टैक्स भरते हैं और उसके लिए रिटर्न भरते हैं, तो यानी कि उस साल का असेस किया जा रहा है, वो असेसमेंट ईयर होगा 2020-2021, फाइनेंशियल ईयर होगा 2019-2020। अब कई बार है ना, वित्त मंत्री जब पुराने डेटा को कोरिलेट करते हैं, बताते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था, तो प्रीवियस ईयर भी आता है। और प्रीवियस ईयर क्या होगा? पहली अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, जो कि पिछला फाइनेंशियल ईयर था, अब वो प्रीवियस ईयर हो गया। इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपके सबसे काम का है, और इस साल की कमाई पर जो अगले बार आपको टैक्स देना होगा, जिसे कि असेसमेंट ईयर कहते हैं, वो होगा 2019-2020। तो कन्फ्यूजन एकदम क्लियर है ना। तीन बार अलग अलग साल सुने तो घबराइए मत, डरिए मत कि अरे पता नहीं चल रहा क्या बोल दिया। एकदम आराम से, तसल्ली से सुनिएगा।